हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही तीखी और चटपटी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ, साथ में हेल्दी भी, जो कि बनने वाली है फ्लैक्सीड से। तो आप देख सकते हैं फ्लैक्सीड्स किस तरीके का दिखता है। फ्लैक्सीड्स को हिंदी में अलसी भी कहते हैं। बहुत ही हेल्दी और चटपटी सी रेसिपी बनेगी इसकी, बहुत ही पसंद आने वाली है आप, और इसे स्टोर करके महीनों दिन तक रख भी सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए, एक कटोरी अलसी ली है हमने, और 3 से 4 तीखी वाली लाल मिर्च लेंगे, और 1 लहसुन चाहिए हमें। लहसुन का छिलका उतार लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, पैन में हमने जो 1 कटोरी अलसी ली थी उसे हम ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, और अच्छे से 6 से 7 मिनट का टाइम देके इस अलसी को हमें फ्राई करना है। अलसी से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, और अलसी में से एक चट 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 की आवाज़ भी आने लगेगी। तो बहुत ध्यान देके अलसी को आपको भूनना है, क्योंकि अलसी उड़ उड़ के बाहर भी आते हैं, इसका लीड लगा के आप इसे भून सकते हैं। तो ध्यान देके इसे अच्छे से भून लें आप। आप देख सकते हैं हमारी जो अलसी है थोड़ी थोड़ी फूटने लगी है। इसी तरीके से जो हमारी सारी अलसी है बहुत अच्छे तरीके से फूट जाएंगी, और अलसियों को अच्छे से फूटना बहुत ज़रूरी है, तभी अलसियों में से टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो सारी अलसी है फूट गई है। तो अच्छे से इसे हमने 6 से 7 मिनट का टाइम देके भून लिया है। अब इसे एक प्लेट पर निकाल के हमें ठंडा होने देना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने देना है। करीबन 10 से 15 मिनट में यह हमारी जो अलसी है बिल्कुल अच्छे से क्रंची और ठंडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो अलसी है बिल्कुल भून के तैयार हो गई है, और किस तरीके का टेक्सचर मिला है अलसी को आप देख सकते हैं। अलसी ने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, वो थोड़ी फुली फुली सी हो गई है। तो इस तरीके से अलसी को फ्राई कर लें आप। और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें अलसियों को ऐड कर देंगे, और हमने जो 3-4 लाल मिर्च ली थी उसे भी हमने गैस पे भून लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे। और साथ में हमने जो लहसुन का छिलका उतार के रखा है 6 से 7, उसे भी ऐड कर देंगे, और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे आप। ज़्यादा तीखा या चटपटा खाना पसंद करते हो तो उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची और लहसुन ज़्यादा ऐड करें। और आप देख सकते हैं हमारी जो ये तीखी चटपटी अलसी की चटनी है बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आपके हर एक खाने का स्वाद दुगना कर देने वाली है ये। आप इसे स्टोर करके महीनों दिन तक रख सकते हैं। तो आप रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी इसे खाएं आप, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इवन आप सब्जी बना रहे हो थोड़ी फीकी वाली, लौकी की, तुरई की, तो उसमें भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, आपके सब्जी के टेस्ट को ये दुगना कर देगी। तो आई होप मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।